बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट चिप्स ओट्स कुकीज़। तो बहुत मज़े के बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने इसके अंदर ओट्स लिया है, दलिया जौ का दलिया लिया है, मैंने 1.5 कप जौ का दलिया लिया तकरीबन, और 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, 1/2 कप मैंने इसमें ब्राउन शुगर ली है, और मैंने 1/2 कप इसमें शुगर ली, पिसी हुई चीनी ली है 1/2 कप ली है, कस्टर्ड शुगर 1/2 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा लिया है 1/2 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, मैदा लिया है मैंने इसमें 1 कप, और हम इसमें कोको पाउडर लेंगे 3 टेबलस्पून भर के मैंने कोको पाउडर लिया है, मक्खन लिया है, इसको हल्का सा मैंने मेल्ट कर लिया है, तो इसको हल्का सा मेल्ट करके डालिएगा, 150 ग्राम मक्खन लिया है मैंने इसके अंदर, चॉकलेट नट्स लिए हैं 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून तक लेने, वाइट चॉकलेट और चॉकलेट नट्स मैंने लिए हैं 1/2 कप के करीब, ठीक है। अंडा लिया मैंने 1 अदर, और इसमें किशमिश लिए, ब्राउन काली किशमिश और वाइट दोनों किशमिश लिए मैंने, थोड़ी थोड़ी हसब ज़रूरत, इतने थोड़ी थोड़ी किशमिश लेनी है आपको, ये ऑप्शन है, डालें तो डालें, नहीं डालना तो हटा दें। तो ये डो सी बन गई है, तो मैंने मिक्स कर लिया, खूब अच्छे से मिक्स कर लिएगा, और बस इसके मैं छोटे छोटे से बिस्किट्स बनाऊंगी, ऐसे छोटे छोटे हूँ, छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है और उसको बना बना के उस पर रखती जाऊंगी, इस तरीके से हम बना बना के थोड़े पास से रखते जाएंगे। बेक करने रख देती हूँ तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाता है, और मैं इसको, और अगर आप 180 के ऊपर रखिएगा से 12 से 15 मिनट, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, ये देखें, अच्छा बनाएं, ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।